हालत दोस्तों रीट रिजल्ट जो कि तृतीय ग्रेड का रिजल्ट था लेवल फर्स्ट का फाइनल रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है जी हाँ दोस्तों आप भी किस प्रकार मात्र एक क्लिक में अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो आपको लाइव चेक करके दिखाने वाले हैं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों सभी के मोबाइल में क्रोम ब्राउजर रहता है इस क्रोम ब्राउजर को हम खोल लेंगे गूगल खुल चुका है गूगल में आप जो वेबसाइट हम डालेंगे आपको सेम टू सेम वही वेबसाइट डालनी है वेबसाइट दोस्तों वी एम सी के सिर्फ इतना सा गूगल में आपको डालना है वी एम सी कैम लिख कर इसको सर्च कर देना है दोस्तों मैं भी सर्च करता हूँ आप भी सर्च कर देना सर्च करते ही सबसे ऊपर वेबसाइट खुल जाएगी वी एम सी कैम गूगल में आपको इस वेबसाइट को यहाँ से क्लिक करके खोल लेना है मैं भी क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ ओपन करते ही कुछ इस प्रकार से मेन वेबसाइट खुल जाएगी अब आपको कहाँ जाना है ध्यान से देखना तो सबसे ऊपर आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों न्यू रिजल्ट का सेक्शन न्यू रिजल्ट इसमें चार पाँच पोस्टें आपको दिखाई देंगी क्रम वाइज तो हम इसके नीचे आएंगे दूसरे नंबर पर दिख रहा है न्यू रिजल्ट का सेक्शन न्यू रिजल्ट इसमें पहली पोस्ट है रीट लेवल वन फाइनल रिजल्ट दो तो दोस्तों न्यू रिजल्ट के सेक्शन में आकर हम पहली पोस्ट को खोल देंगे आने वाले समय में ये पोस्ट आपको नीचे भी दिखा दे सकती है आर एन सी जी एन एम नीट पी जी है ना अगर यहाँ पर कोई नई पोस्ट दिखाएगी तो आप समझ लें ये कहीं ना कहीं इसके नीचे है तो आप यहाँ से पढ़कर खोल लेना है ना तो अभी मैं इसको क्लिक करके खोल लेता हूँ रीट लेवल वन फाइनल रिजल्ट तो देखिए दोस्तों पोस्ट खुल चुकी है अब पोस्ट में रिजल्ट चेक करने के लिए कहाँ जाना है ध्यान से देखना तो मैं आपको थोड़ा नीचे लेकर चलता हूं थोड़ा सा नीचे लेकर चलेंगे हम और ये देखिए दोस्तों डायरेक्ट लिंक आ चुका है एक्टिवेटेड हो चुका है रीट प्राइमरी लेवल फाइनल रिजल्ट दो हजार तेईस चेक नाव आपको क्या करना क्या है इस लिंक पर मात्र एक क्लिक करना है तो मैं आपके सामने से लिंक पर क्लिक करता हूँ क्लिक करते ही आपके मोबाइल में फाइनल रिजल्ट जो आया है उसकी पी डाउनलोड हो जाएगी जहां पर आप आसानी से पहले तो कट ऑफ देख ले जनरल की एक गई है एस सी की एक सौ पैंतालीस गई है एस टी की एक सौ अड़तीस गई है ओ बी सी की एक सौ सतहत्तर गई है एम बी सी की एक सौ इक्यासी ये तो कट ऑफ हो गई है ना और ये रोल नंबर हो गए तो सही बच्चा अपना रोल नंबर सर्च कर लेना इसमें पी डी एफ के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ और रोल नंबर सर्च करने का सबसे आसान तरीका है दोस्तों ये सर्च बार का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऊपर प्र सर्च का ऑप्शन इसमें क्लिक करना इसमें अपने रोल नंबर डालना जैसे कोई भी तो वो यहाँ पर येल्लो येल्लो हो जाएंगे तो अगर आपको समझना अगर येल्ल्लो येल्लो हो गए तो आपका समन्धा के नंबर आ चुका है अन्यथा आपका रोल नंबर नहीं है इसमें है ना तो इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हो तो जैसा कि मैंने आपको बताया आपको इस वेबसाइट पर जाकर इस लिंक के माध्यम से प्राइमरी लेवल फाइनल रिजल्ट चेक कर लेना है और जो अपर प्राइमरी जिनका पेपर दिया था अपर प्राइमरी का वो नीचे वाले लिंक पर क्लिक करना मैं आपके सामने नीचे वाले लिंक पर क्लिक करता हूँ अपर प्राइमरी वाले बच्चे तो जैसे ही नई विंडो खुल जाएगी रिजल्ट चेक करने वाली उस विंडो के माध्यम से भी आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं ये देखिए दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट एग्जाम टाइप कर देना प्री एग्ज़ाम मेन एग्जाम या इंटरव्यू होना यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ कैप्चा कोड भरकर गेट रिजल्ट करके चेक कर लेना रिजल्ट अपर प्राइमरी वाले नीचे वाले लिंक से चेक करें और जिन्होंने प्राइमरी थर्ड ग्रेड का दिया था उनका फाइनल रिजल्ट ऊपर वाले लिंक पर है अगर बात करें ऑफिशियल वेबसाइट की तो ऑफिशियल वेबसाइट नीचे दिर रखिए रिक्रोट डॉट राजस्थान डॉट जी ओ वी डॉट ई ये फाइनल रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक हो ऑफिशियल वेबसाइट का जिसके माध्यम से आप अपना रिजल्ट यहाँ से निकाल सकते हैं तो दोस्तों आपको रिज़ल्ट चेक करना आ चुका होगा बिना समय खर्च कर अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर दे पोस्ट को ताकि वो भी यहाँ से अपना रिजल्ट आसानी से चेक कर ले धन्यवाद दोस्तों